स्पीड न्यूज के पेश करदा है प्रिंस मैजेस्टिक वेडिंग मॉल SYJ कॉम्प्लेक्स चारमीनार। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूं खलील फरहाद। आइए देखते हैं 23 अप्रैल की स्पीड न्यूज। सऊदी अरब के मुफ्ती आजम अल शेख अब्दुल अजीज ने कोरोना पेशेंट का दूसरे लोगों के साथ मेलजोल रखने को बताया हराम। कहा, इस्लाम की तालीमात पर अमल करें, सेहतमंद अफराद की जान की हिफाजत करें। अगले महीने 17 मई को सऊदी अरब दोबारा शुरू कर रहा है इंटरनेशनल फ्लाइट्स। इंडिया, पाकिस्तान समेत 20 कंट्रीज के शहरियों पर सऊदी अरब में दाखिले पर पाबंदी रहेगी बरकरार। कई कंट्रीज के बाद अब कनाडा ने भी लगाया भारत और पाकिस्तान से आने वाले सभी मुसाफिरों पर बैन। भारत में कोरोना के बढ़ते केसेस पर लिया फैसला। अब कोई अमेरिकी सदर मुसलमानों को अमेरिका में दाखिल होने पर नहीं लगा पाएगा बैन। मुसलमानों पर मजीद पाबंदी आयद करने से रोकने का बिल हुआ मंजूर। यूक्रेन और रशियन अपोजिशन लीडर नावलिनी को लेकर मगरबी ममालिक की धमकियों से मुश्तैल हुए व्लादिमीर पुतिन। रूसी सदर ने कहा, मगरब रेड लाइन पार ना करे वरना पड़ेगा पछताना। जीना और डेटिंग जैसी बुराइयों से मर्दों को बचाने और दूसरी, तीसरी और चौथी शादी के लिए रागब करने के लिए पाकिस्तान के बिजनेसमैन आजाद चायवाला की अनोखी पहल, बनाई secondwife.com वेबसाइट जिसे मिल रही है काफी मकबूलियत। जिस चाइना को अभी तक बताया जा रहा था बड़ा दुश्मन, वही चाइना ने अब भारत में कोरोना से हुई खराब सूरत हाल में मदद देने के लिए बढ़ाया हाथ, मेडिकल सप्लाई के लिए हुआ तैयार। SBI रिसर्च की रिपोर्ट में दी गई वार्निंग, कहा पूरे भारत में लॉकडाउन से हो सकता है GDP में 1.5 लाख करोड़ का नुकसान। सोशल मीडिया पर पूरे भारत में लॉकडाउन की खबरें वायरल होने के दरमियान मोदी सरकार ने गरीबों के लिए अगले 2 महीने फ्री राशन देने का किया ऐलान। मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स के अहकाम के बाद सुप्रीम कोर्ट की कोरोना के मामले में मदाखलत को कांग्रेस ने बताया गलत। कहा, सुप्रीम कोर्ट की कोशिश से सूरत हाल सुलझेगी नहीं बल्कि बिगड़ जाएगी। कोरोना को हराने के लिए भारत सरकार ने उठाया बड़ा कदम। DGCI ने दी जायडोज की वेराफिन वैक्सीन को मंजूरी, कोरोना मुतासरीन के इलाज में होगी कारगर। पूरे मुल्क में वैक्सीन फ्री देने के मुतालबे के दरमियान BJP ने बंगाल में खेला सियासी दाव। कहा, बंगाल में हमारी सरकार बनने के बाद देंगे फ्री वैक्सीन। कौम के नाम खिताब के दौरान मोदी के सब ठीक है के बयान को कांग्रेस ने फिर बताया धोखा। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, PM केयर्स फंड पर खुलकर क्यों नहीं बोलते मोदी। कोरोना की खतरनाक दूसरी लहर के दरमियान PM मोदी ने 10 सबसे ज्यादा मुतासरा रियासतों के CMs के साथ की मीटिंग। अरविंद केजरीवाल ने उठाया ऑक्सीजन की कमी का मुद्दा तो BJP ने कहा, की जा रही है पॉलिटिक्स। आम आदमी पार्टी लीडर सौरभ भारद्वाज ने हॉस्पिटल से सांस लेने में तकलीफ का वीडियो किया शेयर। कहा, ऑक्सीजन के बिना तड़प कर मर जाएंगे लोग, साथ मिलकर करें काम। राहुल गांधी ने फिर मोदी सरकार को कोरोना बहरान के लिए ठहराया जिम्मेदार। कहा, ऑक्सीजन और ICU बेड की कमी की वजह से हो रही हैं बहुत सी मौतें, भारत सरकार, ये आपकी वजह से हो रहा है। महाराष्ट्र में फिर पेश आया अफसोसनाक वाकया। विरार के एक अस्पताल में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, 13 पेशेंट्स की हुई मौत। महलुकीन के अफराद खानदान के लिए 2-2 लाख और जख्मियों के लिए 50,000 रुपए का ऐलान। हैदराबाद के इलाके लाल दरवाजा की एक मंदिर के कोरोना पॉजिटिव पुजारी को नहीं मिल पा रहा था कहीं भी बेड। असदुद्दीन ओवैसी से मांगी मदद, सदर मजलिस ने असरा हॉस्पिटल में कराया भर्ती। सोशल मीडिया पर इस कदम की हो रही है काफी तारीफ। आवाम को ऑक्सीजन की भरपूर सप्लाई के लिए हुकूमत तेलंगाना ने लिया बड़ा फैसला। ओडिशा से ऑक्सीजन लाने के लिए भेजा इंडियन एयरफोर्स का जंगी जहाज, अगले 24 घंटों में पहुंचेंगे 8 ऑक्सीजन ट्रक्स। ओडिशा से ऑक्सीजन लाने के इकदाम की KTR ने की सताइश, ट्वीट में लिखा, हिंदुस्तान में पहली बार ऑक्सीजन के लिए फौजी तैयारी का इस्तेमाल रियासत तेलंगाना में किया गया। तेलंगाना के कामारेड्डी के महकमे पुलिस में बतौर ASI खदमात अंजाम देने वाले 53 साला एलैया की कोरोना से हुई मौत, तो मुकामी मुस्लिम नौजवानों ने अदा की आखिरी रसूमात, पेश की बेहतरीन मिसाल। तेलंगाना के IT मिनिस्टर KTR हुए कोरोना से मुतासर, ट्वीट करके दी जानकारी। TRS MP संतोष कुमार भी पाए गए कोरोना पॉजिटिव।
तेलंगाना के हेल्थ मिनिस्टर इटेला राजेंद्र ने जिला करीमनगर के सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन गैस सप्लाई यूनिट और आरटीपीसीआर लैब का किया इनॉग्रेशन। कोरोना से लड़ाई में मुकामी सतह पर मिलेगी मदद। बढ़ते कोरोना के केसेस के दरमियान जीएचएमसी लिमिट्स में बनाए गए कंटेनमेंट जोन्स, चारमीनार जोन्स में 12, सिकंदराबाद जोन में 11, जबकि एलबी नगर, कैरताबाद, श्रीलिंगमपल्ली और कुकटपल्ली इलाकों में 10-10 कंटेनमेंट जोन्स। मुकम्मल लॉकडाउन के अंदेशे के पेश नज़र माइग्रेंट वर्कर्स की हिजरत जारी। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर बड़ी तादाद में अपने आबाई मुकामात रवाना होते हुए नजर आए माइग्रेंट वर्कर्स। नए यूजर्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें और देखते रहिए बीबीएन चैनल। स्पीड न्यूज के पेश करता है प्रिंस मैजेस्टिक वेडिंग मॉल, एसवाईजे कॉम्प्लेक्स, चारमीनार,